धन्य हो गया तेरी शरण में आके, मैं धन्य हो गया। गुरोर ब्रह्मा गुरोर विष्णु गुरोर देवे महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर् मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा करुणा भरा हृदय है तेरा, माँ तू कितनी दयामयी है। करुणा भरा हृदय है तेरा, माँ तू कितनी दयामयी है। तनिका पीड़ा पले में हरे ली, दुखिया रे को गले लगाया। तनिका पीड़ा पले में हरे ली, दुखिया रे को गले लगाया। जैसे तपती दोपहरी में मिल जाए शीतल बट छाया, जैसे तपती दोपहरी में मिल जाए शीतल बट छाया। शक्तिशालिनी विश्वव्यापिनी धरती जैसी क्षमामयी है। शक्तिशालिनी विश्वव्यापिनी धरती जैसी क्षमामयी है। करुणा भरा हृदय है तेरा, माँ तू कितनी दयामयी है। चंद्र प्रभा सायानन तेरा, सरल मधुरे अमृतमय वाणी। चंद्र प्रभा सायानन तेरा, चंद्र प्रभा सायानन तेरा, सरल मधुरे अमृतमय वाणी। सबका दर्द सेम सह लेती, कहलाती हो जग कल्याणी। सबका दर्द सेम सह लेती, कहलाती हो जग कल्याणी। महिमा तेरी दिग्दिगांत में, महिमा तेरी दिग्दिगांत में,
खुशबू बन कर समा गई है। महिमा तेरी दिग दिगंत में खुशबू बन कर समा गई है। करुणा भरा हृदय है तेरा माँ, तू कितनी दयामयी है। कल के काले मेघ गगन से घृणा दोष का जल बरसाते, कल के काले मेघ गगन से घृणा दोष का जल बरसाते, दोष ईर्ष्या का विष फैला, पाप निरंतर बढ़ते जाते, दोष ईर्ष्या का विष फैला, पाप निरंतर बढ़ते जाते, आंचल कवच बना जीवन का, आंचल कवच बना जीवन का, ममता छतेरी तनी हुई है। आंचल कवच बना जीवन का, ममता छतेरी तनी हुई है। करुणा भरा हृदय है तेरा माँ, तू कितनी दयामयी है। करुणा भरा हृदय है तेरा माँ, तू कितनी दयामयी है। लाइए माता जी, एक मिनट देते हैं। सवेरे सवेरे मिलो मुझको मोहन, सवेरे सवेरे मिलो मुझको मोहन, बिना आपके दिन गुजरता नहीं है, बिना आपके दिन गुजरता नहीं है। सुबह शाम रहती है बड़ी बेकरारी, सुबह शाम रहती है बड़ी बेकरारी, खुमारी कालम उतरता नहीं है, खुमारी कालम उतरता नहीं है। सवेरे सवेरे मिलो मुझको मोहन, बिना आपके दिन गुजरता नहीं है, बिना आपके दिन गुजरता नहीं है। कि मौसम सुहाना कह ढा रहा है, मेरा श्याम मुझ को नजर आ रहा है,
कि मौसम सुहाना कह ढा रहा है, मेरा श्याम मुझ को नजर आ रहा है। न जाने क्यों ये, न जाने हुआ ये दिल क्यों दीवाना, न जाने हुआ ये दिल क्यों दीवाना, करूं लाख कोशिश सुधरता नहीं है, करूं लाख कोशिश सुधरता नहीं है। सुबह शाम रहती है बड़ी बेकरारी, खुमारे कालम उतरता नहीं है, खुमारे कालम उतरता नहीं है। मुझे क्यों तसल्ली दिलाते नहीं हो, बुलाते हैं कितना तो आते नहीं हो, मुझे क्यों तसल्ली दिलाते नहीं हो, बुलाते हैं कितना भयाते नहीं हो। सवरिया की सूरत बसे इस कदर है, सवरिया की सूरत बसे इस कदर है, कोई अक्स दिल में ठहरता नहीं है, कोई अक्स दिल में ठहरता नहीं है। सुबह शाम रहती है बड़ी बेकरारी, खुमारे कायालम उतरता नहीं है, खुमारे कायालम उतरता नहीं है। सवेरे सवेरे मिलो मुझको मोहन, बिना आपके दिन गुजरता नहीं है, बिना आपके दिन गुजरता नहीं है। वो बंसी बजे या वो मोहन दुलारे, वो बंसी बजे या वो मोहन दुलारे, हवाओं की खुशबू वो आँखों के तारे, वो बंसी बजे या वो मोहन दुलारे, हवाओं की खुशबू वो आँखों के तारे। मैं सूरत को अपने कितने सजाऊं, मैं सूरत को अपने कितने सजाऊं, बिना आपके ये सवरता नहीं है, बिना आपके ये सवरता नहीं है। सुबह शाम रहती है बड़ी बेकरारी, सुबह शाम रहती है बड़ी बेकरारी, खुमारे कायालम उतरता नहीं है, खुमारे कायालम उतरता नहीं है। सवेरे सवेरे मिलो मुझको मोहन,
बिना आपके दिन गुजरता नहीं है, बिना आपके दिन गुजरता नहीं है। सुबह शाम रहती है बड़ी बेकरारी, खुमारी का आलम उतरता नहीं है, खुमारी का आलम उतरता नहीं। कहाँ जाऊँ कासु कहूँ और ठौर न मेरो, कहाँ जाऊँ कासु कहूँ और ठौर न मेरो, जन्म गवायो तेरे ही द्वार, किं करे हूँ तेरो केशव कहीं न जाए का कहिए, केशव कहीं न जाए का कहिए। शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तन बिन लिखे ये चितेरे, धोवे मिटाए न मरे भेते दुखे, धोवे मिटाए न मरे भेते दुख, पाइए यही तन हेरे, पाइए यही तनु हेरे, केशव कहीं न जाए का कहिए, केशव कहीं न जाए का कहिए। रवि कर नीर बसे अति धारुण, रवि कर नीर बसे अति दारुण, मुकुर माहि जस छाई, बदन हीन सो गसए चराचर, बदन हीन सो गसए चराचर, पान करन जे जाहि माधव, पान करन जे जाहि, केशव कहीं न जाए का कहिए। को कहे सत्य झूठ कहे को कहे सत्य झूठ कहे को, जुगल प्रबल को माने, को कह सत्य झूठ कह को, जुगल प्रबल को माने। तुलसीदास परि हर तीन भ्रम, तुलसीदास परिहर त्रीन भ्रम, सोआपन पहचाने
सो आपन पहचाने केशव कही न जाए का कहिए केशव कही न जाए का कहिए। प्रातः समय ज्योति स्वरूपा जगत जननी जिया माँ के पावन चरणों में उनके छाँव में हम आप सब बैठे हुए, ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है। जीवन में ये क्षण बहुत ही कम मिलते हैं। हम कितने ही पुण्य करें, कितने ही यज्ञ करें, उससे शायद यह माँ का दरबार प्राप्त होने वाला नहीं, वो तो माँ ही बुला लेती। हम सबको उन्हीं ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, उन्हीं की कृपा है और उन्हीं की कृपा सन 60 से परम पूजिया माँ की गुरु माता जी की कृपा सन 1960 से लगातार यहाँ सागर में उनकी अमृत वर्षा सतत होती रही। सन 60 में उस समय जो बुजुर्गों से मैंने सुना है, पान की खेती के थोड़े छोटे छोटे बगीचे थे, तिली में बड़ी मजदूरी का काम हुआ करता था, बड़ी समृद्धि नहीं थी। उन माँ ने यहाँ पर आकर एक दृष्टि डाली, कृपा की, सबको अपनी गोद में उठा लिया। परम पूज दुबे जी महाराज भी उसी श्रृंखला में पूज्य परम पूज्य कक्का जी और पारासर दादा, ये पुराने जो यहाँ के स्तंभ थे, उन्होंने यहाँ पे बहुत शुरुआती दौर में सन 60 में सत्संग शुरू करवाया। परम पूज माँ साहब इन सबको जबलपुर ले गए थे, पूज राजपाल भैया ने सबको बुलाया था। तो पारासर दादा ये बताया करते थे कि पहली बार बैठा मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, ये कैसे संत हैं, इनमें तो बड़ी सरलता है, कोई बनावट भी नहीं है, ना इनके कपड़े रंगे हुए हैं, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन जब दूसरी बैठक में बैठा तो बोले उन्हीं का होके रह गया। सभी चार पांच भाई मिलकर मथुरा गए, टुंडला गए और वहां पर माँ से आग्रह किया, आप पधारें, कार्यक्रम दें सागर के लिए।
कक्का जी बताया करते थे कि एक एप्लीकेशन लेकर गए थे वो माँ के पास, और उनसे कहा कि नहीं आप तो दस्तखत कर दो इस पे। माँ जिया ने उस पे दस्तखत कर दिए, जाओ पंडित जी को दे देना। पंडित जी महाराज ने प्रोग्राम बनाया, जबलपुर से वो यहाँ सागर की और बस से प्रस्थान किए। उनका रेलवे से था, बहुत बड़े बड़े अखाड़े रेलवे स्टेशन तक पहुँचाए गए उनके स्वागत में, लेकिन उन्होंने अपना प्रोग्राम बदल दिया जबलपुर में। माँ साहब से कहा नहीं बस से चलेंगे, सारे अखाड़े ऐसे ही चले आए। एक तांगा से परम भागवत जी महाराज माँ साहब वो सब तिली के लिए रवाना हो गए। यहाँ पर आकर रुके, ये जो स्थान आप देख रहे हैं चारों तरफ रुक के उन्होंने निगाह यहाँ पर डाली, थोड़ी देर रुके और फिर उन्होंने कहा चलो जहाँ पर सत्संग स्थल था वहाँ पर पहुँच गए। जो स्वागत करने वाली टीम थी, अखाड़े थे, वो पीछे पीछे आ गए, हाथी थे, सब प्रकार का कक्का जी और बाकी भाइयों ने सब इंतजाम किए थे। तब से यहाँ लगातार उन माँ की कृपा, पता नहीं किस चीज़ पर वो रीझ गई। माँ हैं, बच्चों को दुखी नहीं देख सकती। एक ही आवाज में एक हृदय की जो पुकार है, वो एक धागा जो माँ से बना रहता है, वो माँ दौड़ के चली जाती। ये वही दरबार है। फिर आगे का इतिहास, सत्संग चलता रहा, लोग जुड़ते रहे, सत्संग स्थल की कमी महसूस होने लगी। यहाँ के भाइयों ने, कक्का जी और उनके परिवार ने ये जमीन दान की भवन के लिए। माता जी से और परम भगवत जी महाराज से इसकी अनुमति प्राप्त हुई, सत्संग भवन के लिए उसका निर्माण 1981 से शुरू हुआ। इसी बीच 1983 में परम भागवत जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए, उनका शरीर उन्होंने छोड़ दिया। बाकी तो हमारे एक भाई यहाँ पर हैं, वो कहते हैं कि सही कहते हैं, परमात्मा कहीं जाता थोड़ी है, पूर्ण महापुरुष कहीं जाते नहीं हैं, वो तो हमारे अंग संग हैं, बस हम थोड़ा सा पुकारें तो उनको। तो ऐसे ही महापुरुष कहीं नहीं जाते, हमारा ही हमारी पुकार हृदय से नहीं हो पाती। ये बहुत पवित्र स्थान है। परम पूज मंजले भैया साहब, परम पूज हेमंत कुमार जी महाराज, उन्होंने इस स्थान के लिए कहा था कि भागीरथी में तो 3 धाराओं का संगम है, यहाँ तो 4 धाराओं का संगम है। पूरे भारतवर्ष में ये वो स्थान है, रामाश्रम सत्संग का तीर्थ है, शक्तिपीठ है। परम पूज्या यहाँ विराजमान है, कोई ध्यान करे या ना करे, जैसा भी जो भी आता है उसकी झोली भर जाती है। सभी उनके पुत्र हैं, सभी उनकी पुत्रियां हैं। बस हम तो आते रहे यहाँ, उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाते रहे। हमारा तो ये, हम तो इतना ही कर सकते हैं, हमसे कुछ
होता नहीं है। ना हमें कोई ज्ञान है, हमें तो ये भी पता नहीं कि हम आपकी तरफ आपको कैसे पुकारे। भक्ति की इतनी बड़ी बड़ी बातें हम सब सुनते हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, बस माँ की तरफ देख सकते हैं ललचाई आंखों से, वही हम सब पर दया करें। ये वो स्थान है, परम पूज गुरु महाराज जी ने मातृ उपासना ही सर्वश्रेष्ठ लिखा है। भगवान से भी अगर कोई ऊंचा दर्जा है तो वो मां का दर्जा है, ईश्वर से भी ऊपर, साक्षात परमात्मा, साक्षात जगत जननी, और कोई नहीं है। बस बारंबार उनके पावन चरणों में प्रार्थना यही है। बड़े महाराज जी, बड़े बड़े भैया साहब, परम पूज डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार जी ये कहते थे, हमें आगे की पीढ़ी के लिए तपस्या करना है। ये धारा अनवरत बहती रहे, पवित्र रहे, उसके लिए हमें तपस्या करनी है, माँ की तरफ जाना है। बस बारंबार प्रार्थना यही है कि हम आप बस गुरु महाराज जी ने जो हम सबको आदेश प्रदान किए हैं उस पर चलने का प्रयास करें, कहीं हमसे कोई ऐसी भूल ना हो जाए। कि हम बिछुड़ जाएं, ऐसे ही दरबार में जहाँ पर अमृत बरसा होती, अमृत बांटा जाता है, जहाँ पर ऐसे ऐसे तपस्वी हुए हैं उनका समर्पण देखकर दिल दहल जाएगा। परम पूज दुबे जी के समर्पण के लिए परम पूज मंजली भैया जी ने ये कहा था, यहीं पर उनके एक प्रवचन में है, दुबे जी को अगर मैं कहता कि तुम अपनी जान दे दो तो एक क्षण नहीं लगाते, कैसा विचित्र समर्पण। हम सभी ने उनके दर्शन किए हैं, पता नहीं किस लोक के महापुरुष थे, कहां से उनका जीवन प्रारंभ हुआ, वो खुद उन्होंने लिखा है अपने जीवनी के बारे में कि मैं तो जहाँ भी जाता था पुलिस मेरे पीछे जाया करती थी, उसकी सूचना वहाँ पर दे दी जाती थी, निगरानी सुधा था। एक महापुरुष की दृष्टि पड़ गई, माँ का आशीर्वाद मिल गया, पूरा जीवन बदल गया, इतना परिवर्तन दिखने में आता है सत्संग से। आज के नए नवयुवक कहते हैं कि सत्संग में क्यों जाएं, क्या फायदा है हमें, हमें तो कुछ नहीं मिला, हम आपको देखते हैं तो आपने क्या किया है, ये प्रश्न हम सबको देखने में आते हैं। लेकिन ऐसे महापुरुष महापुरुषों को देखें, जीवन कहाँ था, कहाँ पहुँच गए और क्या स्थापित किया उन्होंने। पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विश्व में एक ऐसा तीर्थ स्थान स्थापित किया जहां पर वो गंगा बह रही, आप आए, बस केवल सर झुकाने की जरूरत, माँ की तरफ ललचाई आंखों से देखने की आवश्यकता है, उनको हृदय से पुकारने की जरूरत है, वो तो हमारे अंगसंग है। ऐसा ही ये दरबार है, यहाँ पे कोई ना कोई कठिन क्रियाएं करवाई जाती ना उन्होंने ये कहा कि नहीं गृहस्थी छोड़ के और बड़ी कठिन तपस्याएं करें, नहीं, मेरे सामने बैठ जाओ,
सन्मुख होए जीव मोए जभी, हम उस पूर्ण महापुरुष के सामने हो जाए, एक बार उसके सामने बैठ जाए। केवल सामने होने से हमारे जन्म जन्मों की जो परतें हमारे आत्मा के ऊपर आच्छादित हो गई हैं वो साफ हो जाती और हम उस आत्मानंद के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। यहां कुछ करने की बात नहीं है, ना यहां कोई घेरे हैं, न जाति का, न धर्म का, न संप्रदाय का। एक भाई से एक विद्वान महापुरुष ने प्रश्न किया, आपका संप्रदाय क्या है? तो सत्संगी भाई ने जवाब दिया कि नहीं, मेरा कोई संप्रदाय नहीं। रामाश्रम सत्संग परम भागवत जी महाराज ने लिखा है कि गुरु महाराज जी ने एक ऐसा सेतु बनाया जिस पर कोई भी चढ़ सकता है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का पालन करता हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, धनी हो, गरीब हो, कैसा भी हो, वहां सबका स्वागत है। हमारा उद्देश्य तो केवल शांति है, उस आत्मा आत्मदर्शन है। हम तो उस माँ से मिलना चाहते, उसके गले लगना चाहते। ऐसा ही यह दरबार दीन को आदर, यहां तो दीन बन के ही आना, आने में वो अमृत प्राप्त होता है, वहां उनका स्वागत है। पता ही नहीं रहता जो दुनिया के ठुकराए हुए लोग हैं उन्हें सीने से लगाए जाते हैं, ऐसा किसी ने लिखा है। ये वही दरबार है। परम पूज्य गुरु महाराज जी से प्रार्थना है, हमारे पास ना तो कुछ कहने को है, ना ही हमने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिससे हम आपको रिझा सकें। आप ही दया करें हम सब पर, कृपा करें हम सब पर। ये भंडारा आपका परम पूज्या मां का ही है, बस हम सब पर, हम सबको गले लगा, यही आपसे प्रार्थना है। आप सब पर दया कर, कृपा कर। परम पूज्य गुरु महाराज जी की बताई हुई आंतरिक सत्संग की क्रिया इस समय हम और आप सब करेंगे। जो भी भाई बहन पहली बार पधारे हैं उनसे निवेदन है, जैसा आपसे कहा जाए वैसे ही करें। एक सरल आसन से आप सुखपूर्वक बैठ जाएं, जिससे आप 25-30 मिनट स्थिरता से बगैर हिली डुली बैठ सकें। हल्के से अपनी आंखें बंद कर लें, ऐसा देखें कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारे हृदय में भरता जा रहा है, हमारा हृदय परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित होता जा रहा है और उसी प्रकाश में हम लय होते जा रहे हैं। एक बार फिर से निवेदन है, एक सरल सुखमय आसन से बैठ जाएं, जिससे आप 25-30 मिनट बगैर हिली डुली बैठ सकें। हल्के से अपनी आंखें बंद कर लें और ऐसा देखें अपने अंतर नेत्रों से कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारे हृदय में भरता जा रहा है, हमारा हृदय परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित होता जा रहा है और उसी प्रकाश में हम लय होते जा रहे हैं। सत्संग की दो प्रार्थनाएं गुरु वंदना और ईश वंदना होगी। जिन भाइयों को बहनों को याद हो वो एक साथ एक स्वर में कहेंगे, जिनको याद ना हो वो अभी से ध्यान में चले जाएंगे, प्रार्थनाएं समाप्त हो जाएंगी, ध्यान चलता रहेगा। जब आपसे परम पूज निवेदन करें तब आप ध्यान भंग करें और नेत्र खोलें। इस समय कोई मंत्र जाप या अन्य क्रियाएं नहीं करेंगे,
बस जैसा आपसे ध्यान के लिए निवेदन किया गया है वैसे ही ध्यान करें। दे दें इधर दें आप उनको दो दीन बन धो दयाल गुरु के भांति तव गुण गाऊं मैं तुम्हारे पवित्र चरित्र के ही विधि नाथ कही के सुनाऊं मैं जे है व्याया पावन है मेरी गुरु नाम कैसे लीजिए मन फस रहा भव जाल में वह किस तरह प्रभु दीजिए धन धान माया रूप है क्यों कर न्योछावर कीजिए संसार सागर में फसा गुरु ध्यान कैसे कीजिए तन के से अर्पण कर सकूं यह तो महापापी अधम धन धान और मन दे के गुरु तुम से नहीं ओ धार हम श्रद्धा सुमिरनी भेंट करी मैं दीन हो चरणों पड़ा मैं पतित हूँ तुम पतित पावन आपका है आसरा भाव से सिंधु में
सरा गोरो देव मुझे उठाए गही बाह दीना ना जन है
भांजन जन मन रांजन जय जय आनंद के घन है गुरु पितु माता सब जग त्राता मानुज रूप नर नागर हे निर गो चेत आनंद रूप विभो गुणागार गो तीत गोचर अनुभव आज ये प्रभु सब के स्वामी अंतर यामी परमेश्वर हे करुणा सागर सब गुण आगर सत्चित प्रेम निकेतन है हे जगनायक विश्वविनायक हे जग जीवन के जन हे दुख भांजन जन मन रांजन जय जय आनंद के घन है
तमस्तु मा विद्वसावहे ओम शांतिः शांतिः
हम सभी लोग गुरु महाराज साहब के भव्य दरबार में बैठे हुए हैं और उनकी कृपा हमारे ऊपर निरंतर रूप से होती रहती है, हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन उनकी दया में कोई कमी नहीं होती। बहुत पुरानी बात है, एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने स्थान पर विश्राम कर रहे थे। वहाँ पर उनसे मिलने के लिए बहुत से विद्वान आए हुए थे और उन लोगों ने भगवान से बहुत से प्रश्न किए और उन्होंने कहा कि महाराज, आप हमें ज्ञान के बारे में बताइए, परमात्मा के बारे में बताइए। तो भगवान गौतम बुद्ध थोड़ी देर शांत रहे, उनके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया। जब उनके सारे प्रश्न समाप्त हो गए तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में बताऊं तो उससे तुम्हें क्या लाभ होगा, उससे तो तुम्हें कुछ कोई प्राप्त होगा नहीं। पहले भी मैं कई बार आप लोगों से वार्ता कर चुका हूं। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमें उस पर विचार करना चाहिए कि हमारी आज की समस्या क्या है। जो हम लोगों की आजकल की जो प्रमुख समस्या है, हमें उसको बताना चाहिए। और ये समस्या है क्या और इनका क्या निदान है? तो उन्होंने कहा कि आजकल जो प्रमुख समस्या है हम सब लोगों के लिए, वो है दुख। और दुख कैसे हैं, कहाँ से आते हैं, क्या हैं? तो उन्होंने बताया कि दुख जो हैं, जो मेरी जो इंद्रियां हैं ये अच्छा अनुभव करती हैं तो मैं सुख कह लेता हूँ, जो बुरा अनुभव करती हैं मैं उसे दुख कह लेता हूँ। ये इंद्रियां जो हैं ये केवल मन तक ही जाती हैं, मन से आगे नहीं जा पाती हैं। कारण कि हमारा शरीर जो है दो तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, पहला है प्रकृति, दूसरी है आत्मा। प्रकृति का गुण है दुख, क्लेश, अज्ञान, अशांति। तो ये जो मेरी इंद्रियां हैं ये इन्हीं से बनी हैं, इसलिए ये जो है सुख दुख का अनुभव करती रहती हैं। और उन्होंने कहा इसका कारण क्या, कारण इसका ये है, इसका निदान क्या है? कि निदान ये है कि हमें प्रकृति से छोड़कर आत्मा में जाना, आत्मा में शांति है, सुख है। तो हमें जो है यहाँ से प्रकृति का से निरपेक्ष होकर के अगर हम आत्मा में चले जाएं तो ये सारे दुख नहीं रहेंगे। जैसे कि आप जानते हैं बहुत परेशान हैं, आपको दर्द हो रहा है, आपको नींद आ गई, गहरी नींद में चले गए, वहाँ न कोई दुख है, न कुछ है, न कुछ, सब भूल गए, सब जाने कहाँ चले गए। लेकिन जगे, जैसे ही जगे तो फिर वही दर्द शुरू। तो ये क्या, ये इंद्रियों का ही काम है। जब क्या कहते हैं इंद्रियां रहती हैं तो इन्हीं से मेरी इंद्रियां बनी हैं, तो इसलिए ये दुख सुख का कारण बनती रहती हैं। निदान, निदान जो है आत्मा, आत्मा में जाना है। कैसे जाएं, किसी प्रकार से अगर हम इनसे निरपेक्ष हो जाएं तो हम आत्मा में हम चले जाएं। बहुत से विकार आते हैं और वो उन महाराज की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से सब दूर होते हुए चले जाते हैं। हमारे भारतवर्ष का ये एक विचारशील देश है, यहाँ की विचारशीलता हमारी जो है प्रमुख है, प्रमुख देन है। हम हर तरह से विचार करते हैं, छोटी छोटी बातों पर विचार करते हैं। आपने देखा कि हम लोग जो हैं कितने कितने ग्रंथ, कितने कितने उनकी व्याख्याएं, कितना कितना सब कुछ उन पर विचार करते हैं। उसके बाद
देखते हैं कि मतलब किसी तरह से इनसे निरपेक्ष कैसे हुआ जाए। तो हमारे गुरु महाराज साहब ने बताया कि इससे पहले कि भाई उन सभी लोगों में और विचार हुए तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा भी कोई वो क्रिया है जिससे क्या कहते हैं हमें न प्रकृति में जाना पड़े न आत्मा में जाना पड़े, सीधे ही हम क्या कहते हैं उस अवस्था को प्राप्त कर जाए। बहुत खोज हुई। तो हमारे गुरु महाराज साहब ने कहा कि ये विधि मेरे पास है, मैं उसे तुम्हें बता सकता हूँ, और सीधे ही न तुम्हें आत्मा में जाना वो प्रकृति में जाना पड़ेगा, न आत्मा जाना पड़ेगा, न ध्यान करना पड़ेगा, न समाधि में जाना पड़ेगा, सीधे ही उससे वहां पहुंच जाएंगे। कारण उन्होंने कहा कि जैसे आप विचार करें कि कोई व्यक्ति है, आप जैसे कोई भी लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो वहां पर आप बस से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे या हवाई जहाज से जाएंगे, टैक्सी जाएंगे, किसी तरह से वहां पहुंचेंगे और वहां पर घाटों पर चढ़ेंगे उतरेंगे फिर गंगा में प्रवेश करेंगे। लेकिन एक छोटा बालक जो माँ की गोद में है उसे क्या करना पड़ा, न वो ट्रेन जानता है, न बस जानता है, न हवाई जानता, कुछ ही नहीं जानता, वो तो केवल माँ को जानता है, उसे उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार से माँ उसे ले जाती है, वो आगे घाटों पे चढ़ना उतरना पड़ा सब कुछ किया, लेकिन बालक को क्या करना पड़ा, कुछ भी नहीं, वो तो माँ गोद में ले गई और स्नान करा दिया। इसी प्रकार से हमारे गुरु महाराज साहब ने ये बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, केवल मेरे सामने बैठ जाना है, आप तो केवल बैठ जाएं, बाद बाकी काम सब मेरा है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि आप बैठ भी नहीं पाएंगे, आप इतना भी नहीं कर सकते कि मेरे सामने आकर के बैठ जाएं। किसी तरह से बैठ भी गए तो मालूम पड़ा कि शरीर में यहां दर्द है, ये वो है, ये कोई काम का विचार आ गया, काम क्रोध लो मोह कोई विचार आ गया, उसी विचार में चले गए, लगे रहे, आधा घंटा हो गया, एक घंटा हो गया, और देखा तो अरे हम तो वहां चले गए, कुछ भी नहीं। मान लो इससे भी आगे किसी प्रकार से आप निकल गए, गुरु महाराज की कृपा हुई, तो बुद्धि का क्षेत्र आता है, बुद्धि में जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, तो वहां पर देखा कि ज्ञान के पलटे उलटे जा रहे हैं, अरे कि यहाँ गीता में ये लिखा है, उपनिषद में ये लिखा है, क्या करें, ऐसा ही विचार आ गया और चले गए उस विचार में और आगे चले गए। वहां पर जब देखा तो यहाँ कुछ नहीं, हम तो यहाँ चले आए, सब आधा घंटा हो गया, घंटा हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। किसी तरह से इससे भी अगर हम आगे और निकल जाते हैं तो फिर अहम का पर्दा आ जाता है सामने, अहंकार ये जो आ जाता है तो ये आपको निकलने नहीं देता, अरे कहता है कि अरे क्या रखा है इन बातों में, दुनिया भर की बातें तो हम दुनिया की, वहाँ ये होता है, हमने ऐसे सत्संग देखे, ये वो, उसी विचार में चले गए, देखा तो कुछ भी नहीं, लौटाई कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा तुम इन तीनों क्षेत्रों से इनसे नहीं निकल सकते, किसी भी प्रकार से अगर निकल आए तो मेरे सामने का किस तरह से आगे इनसे निकल करके तुम्हें गुरु माँ की तरह से मैं तुम्हें इस शरीर से निकालूंगा, मन से निकालूंगा, बुद्धि से निकालूंगा और अहम से निकाल के तुम्हें बाहर उस जगह पहुंचा दूंगा जहां अच्छे अच्छे योगी भी नहीं पहुंच पाते हैं। ये उनकी कृपा का फल है। हम देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पर जिया माँ का स्थान है, जिया माँ यहाँ पर पधारी, हर वर्ष यहाँ पर पधारती रहती थी, उन्हीं के आशीर्वाद की बात है। तो एक संस्मरण मुझे याद आता है, मैं आपको बताता हूँ कि बहुत पहले गुरुकुल में पढ़ाई हुआ करती थी, बच्चे पढ़ते थे, आते थे, वहीं पर रहते भी थे, धीरे धीरे करके वहाँ पे जो है बच्चों को गुरु महाराज जो है पढ़ाया करते थे। तो वहाँ से एक बच्चा ऐसा था जो कि पढ़ता नहीं था, वो माँ की सेवा में चला जाया करता था। अब कहता था कि माँ मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आता, गुरु महाराज साहब क्या पढ़ाते हैं मेरी समझ नहीं आता है। उन्हें बेटा तो चिंता मत कर। एक समय ऐसा आया कि काशी से एक पत्र आया कि यहाँ के जितने भी गुरुकुल हैं भारतवर्ष के,
उन सबके बच्चे वहाँ पर काशी में सम्मेलन है वहाँ पर पहुँचे और क्या कहते हैं वहाँ पर एक शास्त्रार्थ होगा, उसमें जो पार्थ होगा वो जो जीतेगा उसको मिलेगा। गुरु महाराज साहब ने अपने बच्चों को यहाँ पर अपने गुरुकुल बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया, सब तैयारी हो गई, बिल्कुल तैयार हो गई। अगले दिन जाना था, सब लोग तैयार, लेकिन वो लड़का भी चलने का, तो गुरु महाराज साहब ने कहा नहीं तू क्या करेगा वहाँ जाकर, कुछ नहीं जानता, बैठ यहीं रह तू, उसको छोड़ दिया। वो बेचारा रोता हुआ रह गया। वो लोग जो हैं अपने शिष्यों को लेकर के गुरु महाराज साहब काशी पहुँच गए। वहाँ पर जो है बहुत जगह के लोग आए हुए थे, पूरे भारतवर्ष के बच्चे थे। शास्त्रार्थ होता रहा, चलता रहा, प्रश्न उत्तर होते रहे। देखा गुरु महाराज साहब ने कि अरे वहाँ पर जो है वो बच्चा अपनी गुरु माता से बोला कि माँ ये सब चले गए, केवल मैं रह गया यहाँ पर। बोले चिंता मत करें। उन्होंने उसे कहा या वो पास में अनार का पेड़ है, उसकी एक छोटी टहनी तोड़ करके ले आ और उसे ला करके वो माँ ने उनको जो उसके जी पर गायत्री मंत्र लिख दिया और कहा कि अब तू जा गुरु महाराज साहब के कमरे में जितने भी ग्रंथ रखे हुए हैं उन सबको तू पलटता जा, बस पढ़े मत पलटता जा। सारी रात पढ़ कर उसने सब जो पन्ने पलट दिए। सुबह हुई तो बोला माँ मैं क्या करूँ कि अब तू चला जा, जा। वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ शास्त्रार्थ चल ही रहा था। गुरु महाराज साहब ने देखा कि अरे ये कहाँ से आ गया, चलो आ गया तो कोई बात नहीं, चल बैठ जा, पीछे ही उसे बैठा दिया। अब प्रश्नों की बौछार होने लगी, इधर से प्रश्न उधर से उत्तर और इस तरह का सब चलता रहा। लेकिन एक प्रश्न वहाँ पर ऐसा आया जिसका जवाब कोई बालक नहीं दे सका। अब वो बालक बार बार हाथ उठाए, बार बार कहे, गुरु महाराज की तरफ इशारा करे, हाथ उठाए, खड़ा हो जाए, बैठ जाए। वो बैठा देते बार बार, बैठ जा तू क्या बोलेगा, आए वहाँ साए जाने क्या कहेगा पता नहीं तेरे, बैठ जा तू। लेकिन देखा उन्होंने कि चारों तरफ कोई भी बालक नहीं उठ रहा, कोई नहीं उठ रहा, ये क्या। तो जब बालक को नहीं उठा तो फिर जो है उनके वहाँ पर जितने भी गुरु महाराज जो लोग आए थे उनके पास बात पहुँची कि भाई अब कोई बच्चा तो दे नहीं रहा, आप ही इसका उत्तर दें। वहाँ पर भी सब सन्नाटा हो गया, कोई उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। लेकिन वो बालक फिर भी हाथ उठाए तो उनके गुरु महाराज ने कहा कि चल बेटा जो कहोगी देखी जाएगी, तू खड़ा हो जा, बोल तुझे कुछ भी है। तो वो बालक खड़ा हो गया। वहाँ पर जाकर के देखा गरीब भाई उस बच्चे ने जो प्रश्न था उसका बिल्कुल सही सही उत्तर दिया उसने, बिल्कुल। सब लोग देखते रह गए। अब आप जानते हैं कि जिन गुरुकुल का वो बच्चा था उनके गुरुजी का कितना मान बढ़ गया वहाँ पर, और वहाँ का जो सबसे बड़ा पारितोषिक जो था वो उस बालक को दे दिया गया। बड़ी प्रसन्नता हुई। जब ये सब कुछ सब शांत हो गया, सब लोग चलने लगे, तो उन गुरु महाराज ने उस बेटे को बुलाया, यहाँ आओ बच्चे, उससे कहा कि तू तो कभी कुछ जानता ही नहीं था, तूने ये कब पढ़ लिया, क्या कि तूने इतना बड़ा उत्तर इसका दिया। बोला मैं तो कुछ भी नहीं, माँ ने करा दिया सब, माँ की कृपा से ये सब संभव हो पाया। बेटा हमारा मान इतना ऊंचा हुआ, बोले केवल माँ की दया से, हम उन्हीं माँ के चरणों में यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम सो लोगों पर दया बनाए रखे, कृपा बनाए रखे। हमारे गुरु महाराज साहब कहते हैं कि जहाँ पर पांच लोग भाई मुझे याद करेंगे मेरी उपस्थिति वहाँ पर 100% होती है। वो गुरु महाराज साहब जी अम्बा और सभी संतगण यहाँ पर विराजे हुए हैं, ये नैवेद्य रखा हुआ है, इस नैवेद्य को हम श्री गुरु महाराज साहब और सभी संतों को प्रणाम करते हैं, नैवेद्य अर्पण करते हैं। 2 मिनट ध्यान करें और यह नैवेद्य अर्पण करें।
बस कर। सागर भंडारे की ये प्रथम बैठक, एक दो भजन होंगे और प्रसाद आप तक पहुंच रहा है, प्रथम बैठक समाप्त हो जाएगी। सायंकाल इसकी दूसरी बैठक 7:30 बजे से प्रारंभ होगी। सायंकाल परम पूज आलोक भाई साहब और परम पूज मोहित डॉक्टर मोहित जी शाम तक पहुंच जाएंगे, यहाँ पर पधार रहे हैं। हम सभी उनके स्वागत के लिए स्वागत करेंगे। ये जो परम पूज गुरु महाराज जी आप सुन ही रहे थे, गुरु महाराज जी के शब्द, उन्होंने जो साधना के अनुभव हुए हैं वो पूरे संसार के सामने रख दिए, वो साहित्य के रूप में यहाँ पर उपलब्ध है। परम पूज गुरु महाराज जी का साधना के अनुभव, भक्ति योग, भक्ति क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितने प्रकार के भक्त होते हैं, ये सारा विवरण जो कबीर साहब और माँ मान देवी के जो प्रश्नोत्तर हुए हैं उस भक्ति योग में परम पूज गुरु महाराज जी ने लिखे हैं। परम भागवत जी महाराज का जो अमृत वाणी है, परम बड़े भैया साहब के कल्याण मार्ग, यहाँ सभी साहित्य उपलब्ध है। प्रार्थना यही है, एक एक शब्द में अमृत भरा हुआ है, शक्ति भरी हुई है, वो हमारा सहारा है। जब कोई हमारे पास नहीं है, मन विचलित हो रहा है, आप गुरु महाराज जी का एक पृष्ठ पढ़ लें, शांति आ जाएगी, समाधान आ जाएगा। प्रार्थना यही है कि गुरु महाराज जी का साहित्य अवश्य देखें। प्रसाद आप तक पहुंच रहा है और एक भजन के बाद ही प्रसाद बटेगा, भजन आप सुने दे दो। मां नमन करूं मैं बार बार, मां तुम लो मेरा नमस्कार। मां नमन करूं मैं बार बार, माँ तुम लो मेरा नमस्कार। माँ तुम लो मेरा नमस्कार।
तुम सबसे ज्यादा प्यारी हो, तुम सबसे ज्यादा प्यारी हो, हम सब कुछ तुम परवार रहे, तुम सबसे ज्यादा प्यारी हो, हम सब कुछ तुम परवार रहे, हम भोले भाले बालक हैं, बस केवल तुम्हें पुकार रहे, बस केवल तुम्हें पुकार रहे, दो अपने गोदी का दुलार, माँ तुम लो मेरा नमस्कार, माँ नमन करूं मैं बार बार, माँ तुम लो मेरा नमस्कार, माँ तुम लो मेरा नमस्कार, तुम सब ले लो आंसू मेरे, दुख रोग कभी ना पाए, तुम सब ले लो आंसू मेरे, दुख रोग कभी ना पाए, हम भूल जाए रोना धोना, और सदा फूल सा मुस्काए, और सदा फूल सा मुस्काए, जीवन में आ जाए बहार, माँ तुम लो मेरा नमस्कार, माँ नमन करूं मैं बार बार, माँ तुम लो मेरा नमस्कार, इन बाहों में अपना बल दो, इन पांवों में अपनी गति दो, इन बाहों में अपना बल दो, इन पांवों में अपनी गति दो, अंतर में अपनी इच्छा दो, और मन में तुम अपनी मति दो, और मन में तुम अपनी मति दो, दो हमें ढेर सा मधुर प्यार, माँ तुम लो मेरा नमस्कार, माँ नमन करूं मैं बार बार, माँ तुम लो मेरा नमस्कार, माँ तुम लो मेरा नमस्कार। दोपहर का जो भोजन का समय रहेगा 12:30 बजे से प्रारंभ होगा, तो
सबसे पहले बच्चों और माताओं को स्थान दें और उसके बाद सभी भाई 12:30 बजे से भोजन करें। प्रसाद आप तक पहुंच रहा। और दे दो। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना, माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। माता मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, माता मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है। माधीर बंधा देना, कोई नहीं मेरा है तुम धीर बंधा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना, माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं ये पूछ रहा मन से, जाऊं तो किधर जाऊं ये पूछ रहा मन से, पथ भूल गया हूँ माँ, पथ भूल गया हूँ माँ, तुम राह दिखा देना। पथ भूल गया हूँ माँ, तुम राह दिखा देना। मैं शरण पड़ा तेरी
चरणों में जगह देना, माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, लाखों को उबारा है मुझको भी उबारो तुम, लाखों को उबारा है मुझको भी उबारो तुम, मझधार में है नैया उसको भी तिरा दो तुम, मझधार में है नैया उसको भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ मां उस पार लगा देना, मझधार में अटका हूँ मां से पार लगा देना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना, माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, चोखा हूँ या खोटा हूँ जैसा भी हूँ तेरा हूँ, चोखा हूँ या खोटा हूँ जैसा भी हूँ तेरा वो, तेरे द्वार पे आया हूँ इस जग में अकेला हूँ, तेरे द्वार पे आया हूँ इस जग में अकेला हूँ, तेरी शरण में आया हूँ माँ मेरा हाथ पकड़ लेना, तेरी शरण में आया हूँ माँ मेरा हाथ पकड़ लेना, माता तू दया करके चरणों में जगह देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना, माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना।